हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को हैदराबाद की पारी के 14वें ओवर में मैदान छोड़ना पड़ा। हुआ यूँ कि राहुल तेवतिया के ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने घुटने के बल बैठ कर कवर से ऊपर छक्का लगाया। इस शॉट के बाद वह मैदान पर गिर पड़े और दर्द से छटपटाने लगे। त्रिपाठी को शॉट लगाने के बाद क्रैप आ गया। राहुल जैसे ही मैदान पर गिरे, गुजरात के खिलाड़ी उनके हाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे। मेडिकल टीम को भी वहां बुलाया गया और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया, लेकिन मेडिकल और फिजियो की तमाम कोशिश के बावजूद वह आगे खेल नहीं पाए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। हाल ही जब हैदराबाद के 2 विकेट गिर गए तो राहुल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और 2 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच अपने नाम कर लिया। हैदराबाद की लगातार दूसरी जीत है, वही गुजरात आईपीएल 2022 में पहली बार हारी है। रिटायर हट होने से पहले राहुल ने 11 गेंद में 17 रन बनाकर खेल रहे थे। उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला। राहुल का स्ट्राइक रेट 154.54 का था। चेन्नई के खिलाफ पिछले मुकाबले में इस खिलाड़ी ने सिर्फ 15 गेंद में 39 रन बना दिए थे। राहुल का स्ट्राइक रेट 260 का था। अपनी शानदार पारी के दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले थे। हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट को राहुल को दोबारा बल्लेबाजी के लिए तैयार देख खुशी हुई होगी, क्योंकि खिलाड़ी उनके लिए काफ़ी अहम है। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने गुजरात के खिलाफ मुकाबले से पहले 3 पारियों में केवल 85 रन बना पाए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने शानदार पारी खेली और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने 42 गेंदों में आईपीएल में अपना 18वां अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 50 बनाने के बाद भी वह अपना विकेट गंवा बैठे। केन विलियमसन 57 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर आउट हुए। उनका कैच लॉन्ग ऑन पर तेवतिया ने पकड़ा। धन्यवाद।